रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सोसा मध्य विद्यालय में बच्चों के मध्यान्ह भोजन में कीड़ा मिलने की बात सामने आई है। साथ ही बच्चों को सड़े हुए चावल का भोजन बनाकर परोसा जा रहा है। जब बच्चों को खाने में कीड़ा मिला तो उन्होंने शिक्षक को इसकी सूचना दी और बाद में जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को पता चला तो उन्होंने विद्यालय जाकर जांच की, जिसमें यह बात सही पाई गई है। बता दें कि जब यह मामला उजागर हुआ तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ कई ग्रामीणों ने स्कूल का रुख किया, जहां बच्चों से बात करते समय बच्चों ने बताया कि उनके भोजन की थाली में रेंगता हुआ कीड़ा निकला है, जिसे देखने के बाद उन्होंने भोजन को फेंक दिया। साथ ही बच्चों ने यह भी बताया कि इस तरह का घटिया किस्म का खाना उन्हें कई दिनों से परोसा जा रहा है। इस पर जीप सदस्य ने स्कूल के शिक्षकों को ध्यान देने की बात कही और हिदायत भी दी कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद चावल की जांच भी की गई। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि खाने में कीड़ा था, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद फेंक दिए खाना। उसके बाद मैंने किचन को भी चेक किया और जहाँ चावल रखा जाता है वहाँ भी वास्तव में कीड़ा था। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, फोटो फुटेज भी है और HM से भी बात की। सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कीड़ा था उसमें। ये गंभीर विषय है और सोच स्कूल में हर बहुत तरह का मामला आए दिन होते रहता है। एक और टीचर है अनुन मास्टर, वो भी उनका भी शिकायत बढ़ावा रहता है कि हमेशा शराब के नशे में आते हैं, हाजिरी बनाकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाजिरी पूरा था उनका। इसी तरह मंडे को जिस दिन मैं गया वहाँ निरीक्षण में, तो उस दिन भी हाजिरी बनाकर गए थे, लेकिन फिर आज मैंने जब दिया तो देखा कि मंडे का भी हाजिरी फिर से कंप्लीट बना हुआ। इस तरह का कई मामला सोच में है जो जाँच का विषय है। बता दें कि इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने टेलीफोनिक वार्ता के दौरान कहा कि मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है, जल्द ही जांच की जाएगी। यदि मामला सत्य पाया गया तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियम संगत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चान्हो से आसिफ रजा की रिपोर्ट। आइए दिए जलाएं। इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाए और अंधेरे को दूर भगाए। हर घर को मजबूत और रोशन करे इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।